मानक आशुलिपि अभ्यास 72 गति 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी की तरफ से केंद्र राज्य संबंधों पर सरकार या आयोग को दिए गए एक ज्ञापन में मांग की गई है कि राज्यपालों की नियुक्ति और विधानमंडलों में बहुमत का परीक्षण कराने के उनके अधिकारों के बारे में एक स्पष्ट सामान्य सिद्धांत लागू होना चाहिए। यह ज्ञापन आज यहाँ संसद में जनता पार्टी के नेता ने जारी किया। ज्ञापन में यह साफ साफ कहा गया है कि अक्सर राज्यपालों की नियुक्ति दलगत दृष्टिकोण के साथ और राजनीतिक संरक्षण देने के लिए की जाती है। राज्यपालों की नियुक्ति के लिए राज्य के मुख्यमंत्रियों से सलाह मशविरा नहीं किया जाता और ना ही उनसे सहमति ली जाती है। यह भी नहीं देखा जाता कि भावी राज्यपाल योग्य, सक्षम और निष्पक्ष है भी या नहीं। मेरे विचार में इस पृष्ठभूमि में यह जरूरी है कि राज्यपाल के अधिकारों और कार्य क्षेत्र के बारे में संविधान में पर्याप्त सुरक्षा हो। पैरा ज्ञापन में यह भी कहा गया है और मेरा भी यही सुझाव है कि सुरक्षा सरकार बनाने के लिए बहुमत के दावे का परीक्षण विधानसभा के अंदर होना चाहिए, राज्यपाल के निवास या कक्ष में नहीं। बहुमत के संबंध में अगर कुछ संदेह पैदा होने पर यह जरूरी है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए उचित निर्देश दें। यही पद्धति लोकसभा में बहुमत का पता लगाने के लिए राष्ट्रपति की अपनानी चाहिए। सरकार गिराने की हालत में अगर कोई दल या संयुक्त मोर्चा विधानसभा में अपना बहुमत स्थापित ना कर सके तो विधानसभा भंग कर दी जानी चाहिए और जल्द ही नए चुनाव कराए जाने चाहिए। केवल मुख्यमंत्री की सलाह मानकर राज्यपाल को विधानसभा का सत्र स्थगित नहीं करना चाहिए और ना ही अध्यादेश जारी करना चाहिए। पैरा ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि संविधान में संशोधन करके ऐसा प्रावधान किया जाए जिससे राज्य विधानमंडल द्वारा स्वीकृत विधेयकों पर राष्ट्रपति 3 महीने के अंदर विचार करने के लिए बाध्य हो। मेरा यह भी सुझाव है कि प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया जाए, ना केवल केंद्र से राज्यों तक बल्कि पंचायत स्तर तक इन अधिकारों का विकेंद्रीकरण हो। कई केंद्रीय एजेंसियां और बोर्ड ऐसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जो राज्य के अंदर आने वाले विश्व और संविधान की 7वीं अनुसूची के समवर्ती विषयों में शामिल हैं। इसमें से कुछ केंद्रीय संगठन राज्यों के स्वायत्त अधिकारों में हस्तक्षेप करते हैं, जिसे रोकना चाहिए। पैरा केंद्र तथा राज्यों के वित्तीय संबंधों के प्रसंग में मेरा सुझाव है कि आयकर, जिसमें कि कंपनी कर भी शामिल हैं, केंद्र और राज्यों में समुचित आधार पर बंटवारा होना चाहिए। केंद्र और राज्यों के खर्च की जांच के लिए एक राष्ट्रीय व्यय आयोग की स्थापना की जाए। अधिकतर ओवरड्राफ्ट की शिकायत सुनने में आ रही है। ओवरड्राफ्ट इसलिए होता है क्योंकि राज्य अपने विकास से संबद्ध जिम्मेदारियों
और उपलब्ध वित्तीय संसाधनों में संतुलन नहीं बना पाते। इसे दूर करने की जरूरत है ताकि राजनीतिक आधार पर ओवरड्राफ्ट देने की कोई गुंजाइश ही ना रहे। उल्लेखनीय है कि केंद्र पहले ही आगे से ओवरड्राफ्ट खत्म करने की घोषणा कर चुका है। विराम।